नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। रामनवमी पर शहर में निकाली गई शोभा यात्रा, केसरिया रंग से रम गया शहर, जय श्री राम के नारों से गूंज उठा शहर। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के गन्नीपुर मोहल्ले में चैन छीनने के दौरान अपराधी ने व्यक्ति को मारी गोली। और रामनवमी शोभा यात्रा में बार बालाओं ने भोजपुरी गाने पर लगाए ठुमके। तो ये थी आज की मुख्य खबरें, अब खबरें विस्तार से। रामनवमी पर शहर में राम भक्तों ने निकाली भव्य शोभा यात्रा, पूरा शहर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। ऐसी मोहब्बत पूरा शहर राममय सीतामय और पवन पुत्र हनुमान मैं, असत्य पे सत्य की विजय, अधर्म पे धर्म की विजय, और पूरा मुजफ्फरपुर शहर, मैं समझता हूँ कि बिहार में भी इसके जोड़े का जुलूस आप देखने को नहीं मिलेगा। रामनवमी है, ये भारत है, हम लोग हिंदू मुसलमान एक होकर के इस भारत में रहते हैं और एक साथ सब पद को एक साथ मिल के और मनाते हैं। जय श्री राम के नारों के साथ शहर में रामनवमी पर जुलूस निकला। सबसे अनोखा जुलूस यह है कि देख सकते हैं कि कितनी लंबी तिरंगा यात्रा भी इस जुलूस में शामिल की गई है और जय श्री राम के नारों के साथ गूंज उठा है पूरा शहर। ये तमाम मनमोहक दृश्य और भारत माता की प्रतिमा के साथ ये जुलूस निकाली गई है और देश में सौहार्द और प्रेम का संदेश देते हुए ये तमाम राम भक्त ये जुलूस में शामिल हुए हैं और ये इस वर्ष का सबसे लंबा जुलूस कहा जा रहा है। ये तमाम ऐसे चीज है कि ये देख सकते हैं महिलाओं की संख्या भी अधिक है, कितना नाचते झूमते लोग निकल रहे हैं। ये तमाम दृश्य है इस प्रकार का और इस जुलूस में लोग आतिशबाजी भी करते नजर आ रहे हैं। ये तमाम मनमोहक दृश्य इस जुलूस में दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े नेता जो कि वार्ड पार्षद है, ये इन दृश्यों में देख सकते हैं कि किस प्रकार इस जुलूस का स्वागत करते हैं। भारत माता की प्रतिमा भी है, ये तमाम ऐसे दृश्य है देख सकते हैं। महिलाओं की भी टोली नजर आ रही है, इन तमाम दृश्यों में महिलाओं की टोली भी है और इसमें एक अनोखा दृश्य देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार प्रभु श्री राम के शोभा यात्रा में किस प्रकार से लोग जय श्री राम के नारों के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। वार्ड पार्षद संजू केजरीवाल, किस प्रकार का जुलूस निकला है इस बार? ऐतिहासिक, असत्य पे सत्य की विजय, अधर्म पे धर्म की विजय, और पूरा मुजफ्फरपुर शहर, मैं समझता हूँ कि बिहार में भी इसके जोड़े का जुलूस आप देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी मोहब्बत पूरा शहर राममय सीतामय और पवन पुत्र हनुमानमय हो चुका है। इसका नजारा पानगी देखिए कि चारों बगल केसरिया ही केसरिया नजर आ रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर मोहब्बत देखनी हो, भगवान श्री राम रामनवमी के अवसर पे इतनी विशाल शोभा यात्रा देखनी हो, आओ पधारो हमारे मुजफ्फरपुर शहर में और देखो ये नजारा। अच्छा, कौमी एकता का प्रतीक है, मुस्लिम समुदाय के बड़े नेता भी इस जुलूस को स्वागत करे, क्या सोच है, किस सोच के साथ स्वागत कर रहे? अरे रामनवमी है, ये भारत है, हम लोग हिंदू मुसलमान एक होकर के इस भारत में रहते हैं और एक साथ सब पद को एक साथ मिल के और मनाते हैं, उसमें सबको खुशी है। खुशी क्यों नहीं है, हमारा रमजान भी चल रहा है, ये रामनवमी भी चल रहा है, चैती छठ भी चल रहा है, हम लोग कर रहे हैं, फिर ईद आवेगा। क्या किस प्रकार का स्वागत कर रहे हैं इस रामनवमी के जुलूस का? देखिए, मुजफ्फरपुर शहर जो है वो गंगा जमीन नदी पर निकाल है और यहाँ हम सब भाई एक होकर के सारे त्योहार मनाते आए हैं और आज आप देख सकते हैं कि सारे लोग, चाहे वो किसी कौम के हो, सब लोग हम लोग मिल करके इस त्योहार को मना रहे हैं।
देख सकते हैं कि इस जुलूस में कौमी एकता का भी प्रतीक हो रहा है। राम भक्त का भी स्वागत है, मुस्लिम समुदाय के लोग भी कर रहे हैं। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि शहर में किस प्रकार से राम भक्तों का स्वागत किया जा रहा है। पूरा शहर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा है। केसरिया रंग में रंगा। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। राम नवमी पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में देशभक्ति का जज्बा दिखा। राम नवमी के अवसर पर गुरुवार को पूरे मुजफ्फरपुर जिले के मठ मंदिरों में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। शहर से लेकर गांव तक श्री राम के नारे से गूंज उठा। मठ मंदिरों में विधि विधान के साथ महोत्सव मनाया गया। सभी चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस बल की तैनाती रही। सरेयागंज धोबिया गली स्थित सार्वजनिक हनुमान मंदिर की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। युवा 551 फीट का तिरंगा और भारत माता की आकृति को लेकर यात्रा में शामिल हुए। रामनवमी के अवसर पर देशभक्ति का रंग देखने को मिला, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। 551 फीट लंबा तिरंगा और भारत माता की प्रतिमा और यूपी की तर्ज पर शोभा यात्रा में बुलडोजर भी शामिल किया गया। गाजे बाजे के साथ दर्जनों जगह से राम भक्तों ने विशाल शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा सिकंदरपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से निकालकर करबला चौक, कंपनी बाग, सरेयागंज टावर होते हुए बाबा गरीबनाथ धाम में जय श्री राम के नारे के साथ राम भक्त पहुंचे। पूरे शहर में नारे लगाते हुए राम भक्तों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। वहीं मेयर निर्मला साहू ने बताया कि युवाओं द्वारा भव्य शोभा यात्रा श्री राम की निकाली गई है, जो अद्भुत है। शोभा यात्रा को लेकर निर्मला साहू ने बताया कि इस शहर में शोभा यात्रा काफी अच्छी तरीके से निकाली गई है। उन्होंने पूरे शहर वासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। रामनवमी के अवसर पर आज पूरा शहर भगवा मय दिखा। आज रामनवमी के इस अवसर पर जो बाबा गरीबनाथ की नगरी में आज रामनवमी के अवसर पर जो ये मुजफ्फरपुर का ये राम भक्त पूरा राममय नजारा है, बहुत ही अच्छा है। मैं मुजफ्फरपुर के सभी वासियों को और रामगढ़ के पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि ये हम लोग इस शहर में पूरे हर चौक चौराहे पर जो रामनवमी है बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है और आगे भी ये बहुत अच्छा से धूमधाम से मनाया जाए कि हमारे जो आने वाले जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो लोग सीख देख करके और इसको दुगने जोश और उत्साह के साथ पूरे मुजफ्फरपुर को राममय राम नाम रामनवमी राम जो है एक अयोध्या में राम बसते, एक मुजफ्फरपुर में भी राम जो बाबा गरीबनाथ की नगरी में है, पूरा मैं पूरे परिवार को, पूरे रामगढ़ परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप लोग पूरे अच्छे से पूरे बहुत ढंग से मनाइए। यात्रा बहुत ही भव्य और बहुत जोरदार निकाला गया है। हम सभी भाइयों के सहयोग से, हिंदू सेवा संगठन जो हमारा समिति है उसके सहयोग से बहुत ही भव्य और सुंदर रामनवमी का यात्रा निकाला गया है। मोटी मोटी 5 लाख लोग। अमरनाथ सिंह नाम का मेरा। हर साल की बात इस साल भी रामनवमी शोभा यात्रा सार्वजनिक हनुमान मंदिर के द्वारा निकाली गई है। रामनवमी का जो जुलूस निकल रहा है ये हर साल की तरह इस साल भी पूरे जोश और खरोश से हमारे प्यारे सनातन धर्म के जो भी मानने वाले लोग हैं और हमारे जो भाई हैं हिंदू भाई, और इसमें सब लोग मिल के ये सब यात्रा निकल रहा है। इसमें शोभा यात्रा में शांतिपूर्ण जिला प्रशासन से लेके सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है। हम लोग जिला शांति समिति के मेंबर होने के नाते हम लोग भी पूरा मीटिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, हर जगह शांतिपूर्ण है, कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आशा करते हैं कि हर साल इसी तरह शांतिपूर्ण ढंग से निकाली जाएगा। हम लोग सारे भाई बंधु अपने सारे फल पूर्वक जोलों के साथ ये रामनवमी का शोभा यात्रा निकाले हैं। हर साल की भांति मुजफ्फरपुर में भव्य शोभा यात्रा निकला है और सभी भाई एकजुट होकर हिंदुत्व का परिचय देंगे। बोलो सिया राम चंद्र के। साल की भांति इस साल भी लगभग 7 सालों से शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सार्वजनिक हनुमान मंदिर धोबिया गली के सौजन्य से सीढ़ी घाट से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कलबला होते हुए सरेयागंज टावर होते हुए बाबा गरीबनाथ नगरी होते हुए सोनरपट्टी होते हुए हरिसभा चौक होते हुए कंपनी बाग होते हुए और छोटी कल्याणी होते हुए इस्लामपुर होते हुए समापन की ओर जाएगी। इसमें क्या लगभग 25,000 की संख्या में राम भक्त शामिल हुए हैं और लगभग 2-4 लोग सड़क पर शोभा यात्रा देखने के लिए शामिल हुए हैं।
इस बार की रामनवमी शोभा यात्रा और भी आकर्षक रही है, क्योंकि श्री राम मंदिर के लिए जो शिला जा रहा था वो शिला भी हमारी रामनवमी में शामिल है। और आप उत्साह देख सकते हैं सारे हिंदू भाई। जय श्री राम। रामनवमी पर शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल। शोभा यात्रा में बार बालाओं ने भोजपुरी गाने पर ठुमके लगाए। राम का नाम बदनाम न करो, कुछ ऐसा ही शर्मसार करने वाला नजारा आज जिले के बुचहा और सरैयागंज टावर पर देखने को मिला। राम नवमी पर जुलूस निकाली गई और उस जुलूस में बार बालाओं द्वारा छोटे कपड़े पहनकर भोजपुरी गानों पर ठुमके लगाने का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों को शर्मसार कर रहा है। गांव स्थित सामुदायिक भवन में पुलिस ने कार्बाइन बरामद की। जिले की पुलिस टीम और बिहार एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में अहम सफलता हाथ लगी। जिले के सदर थाना क्षेत्र के सुस्ता के समीप एक सामुदायिक भवन में बिहार एसटीएफ और पुलिस को खुफिया एजेंसी से गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि किसी घटना को अंजाम देने के लिए अत्याधुनिक हथियारों के साथ कुछ अपराधी सामुदायिक भवन को ठिकाना बनाए हुए हैं, जिस पर दोनों टीमों ने एक साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एक देसी कार्बाइन, एक पिस्टल और 9 गोली बरामद हुआ। इस बरामदगी को लेकर सदर थाना में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आपको बताते चले कि 2 दिन पूर्व इस सामुदायिक भवन से महज कुछ दूरी पर शमशान घाट से सदर थाना पुलिस ने अवैध शराब निर्माण की भट्टी को पकड़ा था। इस दौरान पुलिस भी हक्का बक्का रह गई थी कि जहां चिताएं जलाई जाती है वहां अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। आसपास के लोग धुआं देखकर यह आकलन नहीं कर पाते थे कि किसी की डेड बॉडी जल रही है या फिर अवैध शराब बना रहे हैं। लेकिन पुलिस को यह सूचना मिली कि अवैध शराब का अच्छा कारोबार इस शमशान घाट में हो रहा है, उसी की निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी की तो अवैध शराब की भट्टी पकड़ाई। पूरे 2 दिन बाद फिर इस क्षेत्र में एक सरकारी सामुदायिक भवन से अवैध हथियार पकड़ाना स्थानीय आसपास के लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह हथियार अवैध शराब कारोबारियों का है या फिर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए अपराधी कर्मी ने रखा था। फिलहाल 2 दिनों में 2 उपलब्धियां पुलिस और एसटीएफ को जरूर मिली है, लेकिन दोनों उपलब्धि ने कई सवाल को जन्म दे दिया है। अगर अवैध शराब कारोबारियों का यह हथियार है तो यह कहा जा सकता है कि बड़े कारोबारियों के संरक्षण में यह कारोबार चल रहा था, या फिर किसी बड़े अपराध कर्मी को यह काम था तो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस ने मंसूबों पर पानी तो फेर दिया, लेकिन अब पुलिस के लिए एक यह बड़ी चुनौती बन गई है यह पता लगाना कि पकड़े गए हथियार शराब माफियाओं के थे या फिर बड़े अपराधियों के, किस कारण से रखा गया था हथियार। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई है। पूरे मामले पर पूछे जाने पर सदर थाना अध्यक्ष सतेंद्र मिश्र ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी, उसके आधार पर बिहार एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम कार्रवाई करते हुए सदर थाना क्षेत्र के सुस्ता सामुदायिक भवन से एक कार्बाइन, एक पिस्टल, 9 गोली बरामद किया है। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुटी है। अपनी है सूचना हमारे विशेष कार्य बल बिहार पटना और मिलिट्री इंटेलिजेंस दोनों के मिली कि कुछ लोग बहुत घातक किस्म के हथियार लेके वहाँ पे एक जगह बताया गया। पहले फाइनली ये जगह आया सुस्ता पंचायत भवन सौंदर्य भवन दोनों एक साथ कह सकते हैं कि वहाँ पे हैं। तत्काल जो है उनकी टीम भी थी, स्टेट विशेष कार्यबल की टीम भी थी, हमारी टीम वहाँ पहुँची। व्यक्ति बराबर व्यक्ति तो कुछ नहीं मिला, लेकिन एक जो है अत्याधुनिक देसी है जो कि अत्याधुनिक कार्बाइन और एक पिस्टल जिसमें 9 गोलियां 7.65 की मिली
इसका मतलब था कि वहाँ पे कुछ उस तरह के अपराधी वहाँ पे इकट्ठे थे, जिससे वहाँ पे देखा गया इससे आदमी बैठा हुआ हो, पहले ऑफिस मत पाते ही जो है भाग निकला। और ये हम लोग मैंने पता कर रहे हैं कि ये कौन हो सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बगल में जो है देसी शराब की जो एक जो है उपकरण अगर पकड़े गए थे। अभी तक इतनी कह सकते दोनों एक ही होंगे, लेकिन वहाँ पर रहने का मतलब है कि कुछ गड़बड़ थी वहाँ पे, आगे अनुसंधान जारी है। इंटेंशन क्या था, इंटेंशन क्या था यही, इसी बात को हम लोग जो है फर्स्ट इंटेंशन, इसके बाद इसी पीछे कौन है। लेकिन ये अच्छी सूचना थी मिलिट्री इंटेलिजेंस की और दूसरा विशेष कार्यबल की। बाबा गरीबनाथ मुख्य द्वार की मांग सदन में उठाने पर एमएलसी कारिब शोएब का लोगों ने भव्य स्वागत किया। सदन में राजद के एमएलसी कारिब शोएब बाबा गरीबनाथ धाम के नाम पर शहर में आने वाले 5 मुख्य द्वार को बनवाने की मांग की थी, जिसको लेकर शहर के गणमान्य लोगों ने उनका फूलों से स्वागत किया। कारिब शोएब ने कहा कि सदन में हमने मांग की थी क्योंकि मुजफ्फरपुर शहर को बाबा गरीबनाथ के नाम से जाना जाता है और शहर में जो लोग आए हैं पहले बाबा गरीबनाथ के नाम से अवगत हो, इसलिए हमने सदन में शहर के 5 प्रमुख सड़कों पर बाबा गरीबनाथ धाम के भव्य मुख्य द्वार बनाने की मांग की है। बिल्कुल, हमने जिन बातों को रखा है ये कोई एहसान नहीं किया है, ये हमारा फर्ज था। हमारे मुजफ्फरपुर शहर का गौरव है, जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो चारों तरफ से जो गेट लगा हुआ है, बाबा धाम में आपका स्वागत है, बाबा की नगरी में आपका स्वागत है, कितना खूबसूरत लगता है। मुजफ्फरपुर में भी चारों तरफ से ये तुरंत गेट लग जाएगा, कितना प्यारा रहेगा। किसका नाम होगा? मुजफ्फरपुर का नाम होगा, मुजफ्फरपुर को लोग जानेगा, खूबसूरत शहर बनेगा इससे। ये तो बाबा भोलेनाथ की धरती है, ये बाबा मुजफ्फर शाह की धरती है, यही तो खूबसूरती है इस मुजफ्फरपुर की। दोनों अगल ही बगल हैं, कोई बहुत दूरी नहीं है। आप जान लीजिए ये मुजफ्फरपुर वो मुजफ्फरपुर है, जब इन पाखंडियों के वजह से पूरा देश जल रहा था, मुजफ्फरपुर उस समय भी मुस्कुरा रहा था। मुजफ्फरपुर हमेशा मुस्कुराता है, यहाँ गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है। तो ये मुजफ्फरपुर वो मुजफ्फरपुर है जहाँ सभी धर्म के सभी बिरादरी के लोग आपस में मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में खड़े होते हैं। ये मुजफ्फरपुर में इतनी बड़ी चीज है यहाँ, और यहाँ लोगों ने ध्यान नहीं दे रहा है कभी। हम तो कहते हैं कि यहाँ भाजपा के सांसद हैं ना, लगातार जीत रहे हैं, उनकी सरकार है। अब बहुत तानाशाही सरकार है, जो चाहती है वो फैसला कर लेती है, जिसको चाहती है उठा लेती है, जिसको चाहती है जो फैसला कर देती है, अडानी को एक घंटे में सब कुछ दे देती है। तो राष्ट्रीय मेला का दर्जा देने में कई मिनट लगेगा इनको? आप रुक जाते हैं बीच में, क्या बताएं आपको, हम बता देना चाहते हैं। अभी अभी आपने सुना नहीं, विधान परिषद में, विधानसभा के सदन में माननीय विधान पार्षद श्रीमान कारी शोएब साहब ने आपके, जो आज रामनवमी में भगवा झंडा लेकर घूम रहे हैं, हिंदुत्व की बात को ईमान से इज्जत देते हुए बाबा गरीबनाथ की मंदिर को जो सरकार ले ली है, पर सरकार लेकर क्या कर रही है, इसे इन्होंने राजकीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का इन्होंने सदन में मांग किया है। और सदन में इन्होंने मांग किया है कि बाबा गरीबनाथ जी के दरबार में आने वाले देश दुनिया के लोग, जो पर्यटक हैं, जो भक्त हैं, जो भटके नहीं, उनके लिए राजमार्ग के प्रमुख मार्गों पर 5 ओर से बाबा गरीबनाथ धाम निकास द्वार बने और उस पर अच्छा स्लोगन, अच्छी बातें लिखी जाए और उसमें बाबा का आगमन के रास्ते का नक्शा बनाया जाए। भाजपा के वरिष्ठ नेता देवीलाल ने 2024 में मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता देवीलाल ने 2024 का लोकसभा चुनाव मुजफ्फरपुर से लड़ने का ऐलान कर दिया और इसकी शुरुआत शंखनाद से की। देवीलाल ने कहा कि जिले में इससे पूर्व जितने भी सांसद आए हैं उन्होंने अपना कार्य अच्छी तरीके से नहीं किया, जिसको देखते हुए हमने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। देखिए, मैं नाम का ऐसा नहीं है कि मैं नाम बोलूंगा तो लोग हमको जानेंगे, लोग चेहरे से ही जानते हैं। और देवीलाल भारतीय जनता पार्टी का एक सेवकदार के रूप में विगत 16 सालों से कार्यरत है, एक एक बच्चा और एक एक भाई और बहन सब लोग हमको जानते हैं, इसलिए परिचय देने की मैं मोहताज नहीं हूँ। और आज रामनवमी के शुभ अवसर पर आज इस शोभा यात्रा का हम लोग यहाँ पर अभिनंदन करने के लिए सैकड़ों
हमारी वीरांगना महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई हैं और आज लोकसभा का मैंने शंखनाद किया है शंख बजाकर। इस शंख बजाने का मेरा मेन उद्देश्य है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो पताही से पताही एयरपोर्ट का हवाई अड्डा का बालूघाट नाला रोड में मंटू दा ढाबा का शुभारंभ किया गया। गुरुवार को बालूघाट में मंटू दा ढाबा रेस्टोरेंट का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में आए मुख्य अतिथि नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरिया और बुचहा विधायक अमर पासवान ने संयुक्त रूप से फीता काट कर मंटू दा ढाबा रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया। नगर विधायक ने कहा कि इस तरह का रेस्टोरेंट खुलने से शहर का गौरव बढ़ता है। लोग इस माहौल में बैठकर व्यंजन का लुफ्त उठाने के लिए पहले मुख्य बाजार का रुख करते थे। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरिया ने कहा कि बालूघाट में इस तरह के रेस्टोरेंट के होने से महिलाओं और बच्चों को खास फायदा होगा। मंटू दा ढाबा रेस्टोरेंट के प्रतिष्ठान के व्यवस्थापक सचिन मंटू ने उपस्थित लोगों को यह विश्वास दिलाया कि यहाँ व्यंजन की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है और हमारे यहाँ हाइजीन का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। मंटू दा ढाबा रेस्टोरेंट वेज और नॉन वेज खाने के साथ पूर्णतः वातानुकूलित रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आने वाले ग्राहक कई प्रकार के खाने जैसे दक्षिण भारतीय, चाइनीज, शाकाहारी और मांसाहारी भोजन का लुफ्त उठा सकते हैं। हमारी प्राथमिकता सदैव उचित मूल्य पर बेहतरीन सेवा और गुणवत्ता खाने की उपलब्धता सुनिश्चित करने की रहेगी। हमारा मेन्यू प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। रेस्टोरेंट को पार्टियों के आयोजन हेतु बुकिंग भी कर सकते हैं। रेस्टोरेंट के बारे में और अधिक जानकारी या बुकिंग हेतु रेस्टोरेंट के प्रबंधक सचिन मंटू से 9471013825 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। मंटू दा ढाबा रेस्टोरेंट के इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर निहाल गुप्ता, शिवानंद, बिट्टू, देव सोनी, अजय सहित नगर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मंटू जी के द्वारा यहाँ मंटू का ढाबा करके होटल खुला है जिसमें मोहल्ले टोले के लोग, अगल बगल के लोग भी भारी संख्या में आएंगे और एक साइड में है, इस इलाके में कोई इस तरह का होटल नहीं है, तो हमारी शुभकामना है कि होटल अच्छा से चले और सब लोग इसका लाभ उठावे और होटल मालिक से भी आग्रह है कि अच्छा क्वालिटी का। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे सचिन जी को जो कि मंटू दा ढाबा के ओनर भी हैं और पूर्व में हमारे एक बहुत ही अच्छे मित्र भी कह सकते हैं और उन्होंने अपने स्वादिष्ट व्यंजनों से हमें पहले भी बहुत ही अच्छे व्यंजन खिलाए हैं और आज उन्होंने एक नई उपलब्धि उन्होंने हासिल की है कि आज मंटू दा ढाबा खोल के अब ये सारे शहरवासियों को भी ये स्वादिष्ट व्यंजन परोसेंगे और बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको और इनके परिवार को और मोहल्लेवासियों को और सभी लोगों की ताकि इनको प्रोत्साहन दें और इनके रेस्टोरेंट को आगे बढ़े। प्रारंभ किया है जिसका उद्घाटन आज हम लोगों के द्वारा किया गया है। हम नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से भी और अपनी ओर से भी शुभकामना देते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि शहर के लोगों को एक स्वादिष्ट भोजन व्यंजन जो है इनके ढाबे से लोगों को मिलेगा और मुजफ्फरपुर जो स्मार्ट सिटी की तरफ जो अग्रसर है उसमें एक मंटू दा ढाबा भी जो है अपना स्थान प्राप्त करेगा, यही हमारी शुभकामना है। आपके शहर के बीचों बीच नई नाला रोड जो बालूघाट में पड़ता है बनास बैंक चौक की तरफ आज रामनवमी के शुभ अवसर पर रेस्टोरेंट का ओपनिंग किया गया है। यहाँ सारे व्यंजन उपलब्ध है जहाँ तंदूरी सीख, वेज प्लेटर और जितने भी रेस्टोरेंट के सारे आइटम हैं सारे उपलब्ध होंगे यहाँ पे। और यहाँ खास तौर पे कहा गया हब है और यहाँ शहर में हाइजीनिक की कमी थी, शहर के हाइजीनिक को लेकर हम लोगों ने हाइजीनिक पे स्पेशल ध्यान देते हुए इस चीज़ को हम लोगों ने तैयार करवाया है और ये आप लोगों की सेवा में आज से तैयार रहेगा और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है, आप लोग होम डिलीवरी की सुविधा ले सकते हैं यहाँ से। जी जी स्विगी जोमेटो भी उपलब्ध रहेगी, आप हमारे पर्सनल नंबर जो रेस्टोरेंट का नंबर आप उस पर कॉल करके भी होम यहाँ वेज नॉन वेज दोनों की व्यवस्था रहेगी, मॉकटेल शेक्स ये सब सारे, पास्ता नूडल्स ये सब सारे रहेंगे हमारे पास, वेज बर्गर ये सब सारे। मेरा परिचय हुआ निहाल कुमार गुप्ता मंटू दा, ये मेरा रेस्टोरेंट नाला रोड बालूघाट जो कि बनास बैंक चौक के नज़दीक पड़ता है, MSKB कॉलेज के पीछे। ये रेस्टोरेंट यहाँ के लोगों के नज़र में देखते हुए मैं खोली हूँ
और बहुत ही हाइजीन यहाँ पे, और जो भी रेस्टोरेंट है सबके मुकाबले बहुत अच्छा, उसकी सस्ता चीप है, सस्ता है और बहुत ही हाइजीन की सुविधा है। मुजफ्फरपुर के लोगों से क्या अपील करेंगे? मुजफ्फरपुर के लोगों से अपील यही है कि लोग एक बार आए, मौका दें सेवा का और वो देखे यहाँ का खाना का। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन, दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नी लाल मेगा मॉल सरैयागंज टावर के समीप अखाड़ा घाट रोड मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस आप चले जाइए 3000 4000 10000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपए से साड़ी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40000 तक चले जाएगी। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो, ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाय प्लेस कॉल अस ऑन 6087727878 एंड 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर छाता चौक मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। जीनियस क्लासेस, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर वेबसाइट www.geniusclasses.in और ईमेल अस ऑन info@geniusclasses.in। रजिस्ट्रेशन आर ओपन।
and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiya Ganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है, आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के गन्नीपुर मोहल्ले में चेन छीनने के दौरान अपराधियों ने सरेआम व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया। यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के गन्नीपुर के समीप अपराधियों ने सरेआम एक व्यक्ति को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायल व्यक्ति को बैरिया स्थित मां जानकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। अस्पताल के वरीय विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर धीरेंद्र प्रसाद सिंह और डॉक्टर गौरव कुमार वर्मा की देखरेख में चल रहा है इलाज। गोली से घायल का नाम संजीत कुमार सिंह, पिताजी शिवाजी प्रसाद, पंचवटी कॉलोनी मझौलिया के रहने वाले बताए गए हैं। प्रारंभिक जानकारी जो आ रही है उसके हिसाब से चेन छिनतई के दौरान विरोध करने पर घटना हुई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मझौलिया में मेरा मकान हुआ और वहाँ हर साल के बाद ही हम जाते हैं मिश्रा टोला हवन करने। तो जैसे ही प्रेस के पास पहुँचे हैं तो ग्लैमर से आया है, दोनों लोग हमको लगा बात करेगा, पहले चैन टूट लिया, उसके बाद जब भागने लगा तो हम ईंटा उठाए तो लगातार वो दोनों पिस्टल से फायरिंग कर रहा था। उसके बाद वो देखा कि हम नहीं छोड़ रहे हैं तो पैदले दोनों भागा। अच्छा, क्या उद्देश्य था, लूटपाट का उद्देश्य है, पहले से कोई दुश्मनी आपके ऊपर? हमको उतना तो नहीं पता चला, लेकिन वो एकदम लगातार गोली चला रहा था। किसी को पहचानता है क्या? चेहरा पर्सनालिटी से तो पहचान जाएंगे, अब चेहरा पे सब बांधे हुए था, नकाब पोश। हाँ, कितने लोग थे? दो आदमी तो मेरे पास में था, दोनों पिस्टल रखे हुए था, दोनों गोली चला रहा था। क्या नाम है? मेरा संगीत कुमार नाम है। उम्र? 46 साल। सुबह 9:30 बजे हमारे पड़ोसी संगीत सिंह हैं, जो जमीन का काम करते हैं, वो अपने घर से निवास से अपने साधु के यहाँ गन्नीपुर जा गए थे हवन करने के लिए। इसी बीच में यूनिवर्सिटी प्रेस के पास दो अपराधी प्रवृत्ति के लोग उनको रोके हैं और उसके बाद उनका चैन छीनने का कोशिश किए हैं। बीच बचाव करने में हाथापाई हुआ, इसी बीच में उन्होंने उन पर लगातार 3 गोलियां मारी, एक हवाई फायरिंग किया, एक पेट में लगा है, एक हाथ में और एक पाँव में। स्थिति अभी तो सीटी स्कैन हो रहा है, हाथ पांव का तो गोली निकल चुका है, सीटी स्कैन के बाद पता चलेगा कि पेट का गोली निकला है कि नहीं।
अभी स्थिति तो अभी देखने से ठीक लग रही है, लेकिन जब तक डॉक्टर सही नहीं बता देते हैं कि सही है कि नहीं तब तो चिंता। वो यहीं मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले हैं, इनका गांव रहने वाले ये लोग हैं, पोहियार स्टेट हैं ये, वैशाली जिला के। वैसे यहीं पर जन्म इनका यहीं है, मुजफ्फरपुर में ही जयप्रभा नगर मोहल्ले में, हमारे पड़ोसी हैं। सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी के चंद घंटे बाद ही दूल्हा अपनी दुल्हन को छोड़कर फरार हो गया। शादी के बाद लड़की के परिवार वाले विदाई की तैयारी में थे। इससे पहले ही दूल्हा गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। मामला सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां सोमवार की देर रात बंद कमरे में लड़का और लड़की एक साथ पकड़े गए थे। परिजनों के शोर मचाने पर स्थानीय लोग जुट गए। दोनों ने एक दूसरे से प्यार करने की बात कही। इस पर परिवार और इलाके के लोगों ने दोनों की शादी करने की बात कही। लड़के को कहा गया कि शादी नहीं करोगे तो थाने में केस दर्ज कराएंगे। इस पर युवक शादी के लिए राजी हो गया। आनंद फानंद में शादी की तैयारी हुई। 3 घंटे के अंदर शादी का सारा सामान मंगवाया गया, फिर दोनों की शादी कराई गई। शादी संपन्न होने के बाद लड़की पक्ष विदाई की रस्म को पूरा करने में लग गए, ताकि लड़का और लड़की को विदा किया जा सके। लेकिन इससे पहले ही मंगलवार की सुबह दूल्हा गाड़ी में बैठकर मौके से भाग निकला। दुल्हन विदाई के लिए तैयार बैठी थी, लेकिन दूल्हा भाग चुका था। उसकी काफी खोजबीन की गई, लेकिन वह नहीं मिला। युवक समस्तीपुर का रहने वाला है। लड़की 19 वर्ष ने बताया कि 6 महीने पहले माँ की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें समस्तीपुर के एक अस्पताल में लेकर गए थे, वहाँ उनका इलाज हुआ। इसी दौरान युवक से परिचय हुआ। लड़के का नाम गोलू है, वो हॉस्पिटल में कंपाउंडर का काम करता था। इलाज के दौरान दोनों में दोस्ती, इसके बाद दोनों फोन पर बात करने लगे। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। युवक रात को छिपकर घर आने लगा। 6 माह तक यह सिलसिला चलता रहा। सोमवार की रात भी युवक मिलने आया था। घर के लोगों ने युवक को पकड़ लिया, फिर दोनों की शादी करा दी। शादी होते ही गोलू मौके से भाग निकला। बस पहले से बोल रहे थे शादी नहीं करेंगे, शादी हुआ है सुबह छोड़ के चले गए, बोले हम नहीं रहेंगे। कब शादी हुआ तुम्हारा? रात में 10 बजे शादी हुआ था तुम्हारा। इससे पहले कब मिली थी और कहाँ मिली थी उससे? ताजपुर में। अच्छा, ताजपुर में क्यों गए थे? तो वो क्या लड़का क्या करता था? तो वहीं से तुम लोगों की जान पहचान हो गई। तो उसके बाद फिर कल थाना पर क्या हुआ था? कल थाना पर बोले थे हमें यहाँ क्या भेजेगा, पर शादी नहीं करेंगे। अच्छा, तो फिर खुद ही मांग गया शादी। रात से नटंकी कर रहे, हम नहीं ले जाएंगे ये वो। फिर सुबह मेहमान जब ले जाएंगे तो सामान से मम्मी खरीदने के करते जाएंगे। क्या नाम है लड़का का? बोले कुमार। तो फोन पर भी तुम लोगों की बातचीत होती थी बीच में? हाँ। लगातार मतलब बातचीत होती रहती थी। अच्छा, माँ के ऑपरेशन में गई थी तभी से उससे परिचित थे ना? और वही से हिसाब शुरू हुआ। पूरा हुआ ये रात शादी हुआ है। सब सामान हुआ सब था। उसके बाद अपना रहा। सुबेरे बोला जे बोले जे विदाई कर देते हैं। ताले रहा टकरा बाद के जे हम ताले उधर गए। ताले वो अपना गाड़ी स्टार्ट की चले गए। कितना दिन से पहले इसका, पहले से भी इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था ना दोनों का? 7-6 महीना से घर से चल रहा। तो उसके बाद आप लोग कल थाना पर गए थे, तो थाना पर क्या हुआ था, निर्णय क्या निकला था थाना पर? वही जो सकारा जो हम शादी कर लेंगे, पहले बोला था नहीं नहीं, तो बोला जो नहीं हम कर लेंगे शादी। तो उसके बाद आके शादी किया? हाँ। और उसके बाद फिर शादी के बाद फिर फरार हो गया? हाँ, शादी के बाद फिर फरार। लड़का का नाम क्या था? गोलू कुमार। कहाँ का रहने वाला? हरिशंकरपुर गोहा। जिला कौन सा है? समस्तीपुर। हाँ, वही समस्तीपुर जिला। क्या करता है लड़का? कंपाउंडर के काम। आप लड़की की माँ हुए ना? जी। क्या नाम हुआ? घर जो मामला है ना, लगभग 6 माह से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। और वह लड़का खुद आया। अच्छा, तो आज मैं शादी करूँगा जी। और जबरन संदूर डाल दिया। लेकिन उनके पिताजी का कहना है जो हम 5 लाख रुपया दहेज लेंगे। अच्छा, जो कि यह परिवार देने में सक्षम नहीं है। और इन लोगों से जो भी जुटा, उस दिन उनके पिताजी आए, इन लोगों से जो भी जुटा ये लगभग 1 से 1.5 लाख या जो दिए मैंने अपना वो लोग उस दिन दे दिए। लेकिन उनका का नाम है जो नहीं, जब तक हम 5 लाख नहीं लेंगे तब तक लड़की को नहीं लेंगे, हम लड़की को नहीं दे। तो उस दिन थाना पर भी गए थे, तो थाना पर क्या कुछ आश्वासन मिला था, क्या कुछ थाना पर? हम नहीं गए थे।
नहीं नहीं ये लोग गए थे, ये लोग गए थे, उनको बताया। तो क्या हुआ था वहाँ थाना पर, क्या हुआ था आपकी जानकारी क्या? थाना पर हुआ, जो थाना प्रभारी महोदय बहुत अच्छा काम किए, तो लड़की की शादी के लिए अच्छा माने उस लड़का को यहाँ भेजा गया, लड़का शादी भी किया, लड़का को हम कहे जो 1,00,000 रुपया आपको। अपार सफलता मिलने के बाद मारुति इंटरनेशनल स्कूल के दूसरे ब्रांच का शुभारंभ किया गया। मारुति इंटरनेशनल स्कूल के दूसरे ब्रांच का विधिवत उद्घाटन रामनवमी के उपलक्ष्य में आज सत्यनारायण भगवान और भगवान भोले की पूजा कर किया गया। वहीं वार्ड 14 के पार्षद अमित कुमार ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से यह संस्था चल रही है। आज नए बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है। इस स्कूल में अच्छी पढ़ाई से अच्छे अच्छे जगहों पर बच्चे गए हैं। यहाँ पर पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है। वहीं स्कूल के डायरेक्टर राकेश चंद्र सम्राट ने बताया कि आज मारुति इंटरनेशनल का विधिवत दूसरे ब्रांच का उद्घाटन किया गया है। बताया कि सीनियर क्लास के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे और जूनियर क्लासेस पुराने ब्रांच में चलेगी। आज मारुति इंटरनेशनल स्कूल सिकंदरपुर का एक्सटेंशन ब्रांच हम लोगों ने सिकंदरपुर में ही दूसरे जगह पे खोला है, जिसके आज महादेव का और सत्यनारायण भगवान जी का पार्वती माता का पूजा अर्चना के साथ हम लोगों ने आज रामनवमी के शुभ अवसर पे एक्सटेंशन ब्रांच दिया है, जहां सीनियर क्लास के बच्चे जो हैं सो यहां पढ़ाई करेंगे और जूनियर क्लास के जो भी बच्चे हैं वो पूर्व से जो स्कूल है वहीं पर पढ़ाई करेंगे। वो क्योंकि समाज का एक अच्छा विश्वास हमें मिला है, समाज ने हम पर विश्वास किया, ट्रस्ट किया, जिसका नतीजा है कि हमारे यहाँ बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए वो प्रीमियस थोड़ा छोटा पड़ रहा था और इसलिए हमने सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों को अलग अलग करने का निर्णय लिया, जिसके तहत आज यहाँ हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं मारुति इंटरनेशनल स्कूल के सेकंड ब्रांच का, एक्सटेंशन ब्रांच का। इस मुजफ्फरपुर शहर में इतने ब्रांच स्कूल खुले हुए हैं, इस साथ ही में आप सेकंड ब्रांच का ओपनिंग किया है, एक चैलेंज भरा रूप आपके सामने में आ रहा है, क्या कहिएगा? सबसे बड़ी बात है, चैलेंज तो बिल्कुल नहीं है, हमको अपने आप पे विश्वास है और हमने अच्छा किया है, अच्छा दिया है। हमारे सारे टीचर जितने हैं, हमारे सारे व्यवस्थापक जितने हैं, जो हमारी अंदर व्यवस्था है, इसका रिजल्ट है कि जब हमारे बच्चे समाज के बीच में जा करके बोलते हैं और उसका जब प्रभाव समाज के बीच में देखने को मिलता है, तब उससे प्रेरित होकर के दूसरे पेरेंट्स हमारे। पिछले 5 वर्षों से यह संस्था चल रही है मारुति इंटरनेशनल स्कूल के नाम से, और यहाँ पे आज जो है सो इस नए बिल्डिंग में और बड़े स्तर पर इसकी शुरुआत हुई है। काफ़ी अच्छी पढ़ाई रही है यहाँ, जो बच्चे यहाँ से पढ़े हैं उनका आगे वो अच्छे जगहों पे उन्होंने कहीं ना कहीं परीक्षा के माध्यम से कहीं ना कहीं कंप्लीट यहाँ से निकले हुए काफ़ी बच्चे बाहर किए हैं, इसकी मुझे जानकारी है। पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा रहा है, ये लोग बच्चों पर काफ़ी केयर करते हैं, क्योंकि राकेश जी जो इसके डायरेक्टर हैं उनका ये कोई इनका पैशन है कि शिक्षा क्षेत्र में हम अच्छा करें, कोई व्यवसाय के दृष्टिकोण से इन्होंने इस संस्था को नहीं चलाया, तो काफ़ी अच्छा है। और हम मेरी शुभकामना है कि आगे और जो बड़े स्तर पर इन लोगों ने तैयारी शुरू की है इस बिल्डिंग में, इस संस्था को लेकर बड़े बिल्डिंग बड़े भवन में लेकर के आए हैं, तो और यहाँ पर और बच्चों को यहाँ पर शिक्षा का लाभ मिलेगा, और ये शुभकामना है कि ये संस्था और अच्छे से आगे बढ़ता रहे, दिनों दिन शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करता रहे। मोहल्ले में बहुत सारे स्कूल खुले हैं और ये दूसरा ब्रांच यहाँ खुलने क्या लग रहा है, चैलेंज है ये स्कूल दूसरा ब्रांच खोलने में? ठीक है, चैलेंज तो है ही। अब मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में जो आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपके यहाँ अधिक छात्र आएंगे। जीएम इंस्टीट्यूट मामले में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि मुझ पर लगाया आरोप झूठा है। जीएम इंस्टीट्यूट एवं हायरिंग मामले में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि जीएम इंस्टीट्यूट के पूर्व अध्यक्ष मनोज कुमार के ससुर एवं वरीय अधिवक्ता नवल किशोर प्रसाद सिंह मेरे पास आकर बोले थे कि मेरी संस्था नीलामी हो रही है, आप इस संस्था को ले लीजिए। इसके लिए मैंने स्वीकृति दे दी। बैंक का ऋण 19 करोड़ रुपए था, जिसे बैंक 10 करोड़ में सेटलमेंट की बात कर बैंक में 10 करोड़ जमा किया और 1 करोड़ रुपया अन्य देनदारी में दिया। इसके बाद इन लोगों ने गुपचुप ढंग से महानिरीक्षण निबंधन विभाग में परिवाद दायर कर दिया और ये जितना आरोप लगाया गया है वह सभी बेबुनियादी है। मेडिकल कॉलेज
हॉस्पिटल के बारे में पिछले 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत सारा एलिगेशंस हमारे ऊपर और हमारे लड़के तथा हमारे कुछ संबंधी के ऊपर में लगाया गया था। उसके बारे में हम आप लोगों को स्पष्ट करना चाहते हैं कि वह कॉलेज का स्वामित्व उसके जो पूर्व अध्यक्ष थे मनोज कुमार और उनकी पत्नी तथा नवल किशोर सिन्हा एडवोकेट, इन सब लोगों ने जब वह उसका ऑक्शन पर वह हॉस्पिटल चला गया था तो मेरे यहाँ आकर उसको बेचने के लिए देने के लिए आग्रह इसी ऑफिस में वो किए और उसके बाद में हम लोगों ने उसको लिया और वह कॉलेज हम लोगों ने पूरी तरह से उसको चला रहे हैं। अब उसमें इन्होंने गलत ढंग से केस करके हम लोगों को फंसाने का कोशिश किया था, जिसके ऊपर में राजीव कुमार जो हमारे लड़के हैं वो डिटेल्स बात आपको शॉर्टकट में बता देंगे। संपत्ति 2019 में इलाहाबाद बैंक से लोन लेने के कारण नीलामी पर थी, जिसके बाद मेरे पिताजी श्री सुरेश कुमार शर्मा जी को उसमें जुड़ने के लिए कहा गया। हम लोगों को 21/4/2019 के रेजोल्यूशन के तहत उस मेडिकल उस सोसाइटी के मुजफ्फरपुर ब्रांच की सारी जवाबदेही दी गई, उसके सारे लायबिलिटी और एसेट को उस मुजफ्फरपुर ब्रांच में वेस्ट किया गया, रख दिया गया। उसके बाद हमसे कहा गया कि 10 करोड़ रुपया में उस बैंक का, इलाहाबाद बैंक का जो लोन है जिसके कारण नीलामी हो रही है वो वन टाइम सेटलमेंट में क्लियर हो जाएगा। बाद में पता चला कि वो वन टाइम सेटलमेंट 18 करोड़ 30 लाख में हुआ था। हम लोगों ने तो 10 करोड़ रुपया उनको उसी समय दे दिया। 2019 से अभी तक लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके हॉस्पिटल का जो भी मंथली खर्च है वो सब खर्च चलाते हुए 2021 नवंबर में फाइनली इस कॉलेज को NMC द्वारा मान्यता मिली 150 बच्चों के एडमिशन के लिए। सिकंदरपुर स्थित गौशाला की जमीन में आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के चौथे ब्रांच का भूमि पूजन किया गया। शहर में आदर्श विद्या मंदिर स्कूल एक अलग पहचान बना चुका है। मारवाड़ी संस्था से जुड़े हाई स्कूल के चौथे ब्रांच का भूमि पूजन पूरी रीति रिवाज से किया गया। सिकंदरपुर स्थित गौशाला की जमीन पर यह स्कूल भव्य रूप से अब तैयार किया जाएगा। इसकी नींव स्कूल के बोर्ड ऑफ मेंबर ने भूमि पूजन कर रखी। मोतीलाल छापरिया ने कहा कि स्कूल में काफी संख्या में लोग अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं और जो पहले से हमारे पास स्कूल है उसमें कम सीट है और इसके विस्तार के लिए भव्य बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसकी नींव आज रखी गई। और इतनी हमारी ब्रांचेस 3 चल ही रही है, बैंक रोड में, न्यू मार्केट में और पदार भवन पुरानी बाजार के नजदीक। तो हम चाहेंगे कि इस स्कूल में जो है हम जल्दी से जल्दी और एक विंग चालू करें, जिससे कि हम और स्कूलें वहाँ चल रहे थे 9th, 10th, 12th की परीक्षाएं यहाँ चालू करें और एक साल और लगेगा तो तैयार हो जाएगी पूरी बिल्डिंग। हम यहाँ पे 6,000 बच्चियों को शिफ्ट करने का हम लोगों का प्लान है, बाकी आगे बढ़ करके जो भी होगा हम लोग करने की कोशिश करेंगे। हम लोग पीठ दिखाने वालों में से नहीं है, हम आगे बढ़ के जनता की सेवा करेंगे और ऐसी स्कूल भारत में हो जाएगी तो एक भी बच्चा गरीब बिना शिक्षा के नहीं रहेगा, और 10+2 तो करेगा ही। आदर्श विद्या मंदिर भी उनका स्वागत करती है और करती रहेगी। हम चाहेंगे ललायत बच्चे हमारे पास आए। 1,30,000 स्क्वायर फुट में हम वृद्ध भवन का
3 मंजिले का निर्माण करेंगे, साथ में क्या क्या सुविधा मिलेगी छात्राओं को? छात्राओं को ये सुविधा मिलेगी कि आप देखेंगे कि आप आपकी प्रेस के माध्यम से आज हम लोगों ने देखा तो हमारा दिल हिल गया, इसलिए हमारी स्कूल की पॉपुलरिटी के लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बल्कि इसलिए की कि शहरवासियों में संदेश जाए कि भारत में एक ऐसी स्कूल भी है जो थोक वस्त्र विक्रेता ट्रस्ट के द्वारा संचालित है और वहाँ अदर स्कूलों से 85% सालाना जो फीस ली जाती है उसका अंश लिया जाता है, 15% सिर्फ, 85% पब्लिक को छोड़ दिया जाता है। हमारी संस्था का, ट्रस्ट का ये उद्देश्य नहीं है कि हम पैसा कमाएं, हमें तो नारी शिक्षा को बढ़ाना है। एक नारी शिक्षित होगी तो 10 घर शिक्षित होगा, पूरा समाज शिक्षित होगा। वहाँ जब आपकी भवन तैयार होगी, जब एडमिशन की प्रक्रिया होगी, तो क्या वहाँ भी क्या सिस्टम होगा? यही सिस्टम लागू रहेगा। इसके अलावा भी अगर कोई हम 25% बच्चों को फ्री शिप देते हैं और एक पैसा भी हम गवर्नमेंट से मदद नहीं लेते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी खासियत है जिससे हम व्यापारी ये दिखाते हैं कि हम अपने बलबूते पे। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।